साल था 2007, डरबन का मैदान था, सामने टीम थी इंग्लैंड। एक हल्की सी दाढ़ी मूछ वाला लड़का, नाम था रोहित शर्मा, मैदान में उतरा। लोग पूछे बड़े बड़े दिग्गजों की टीम में इसे क्यों ले आए, लेकिन जब बड़े बड़े छक्के लगाए और दुनिया को बता दिया कि मैं कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, आने वाले वक्त का सुपरस्टार हूं। जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, तो उन्होंने सिर्फ दो नाम लिए थे, एक नाम था रोहित शर्मा का, दूसरा नाम था विराट कोहली का। आज दोनों ही खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरे लिए इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता था ट्रॉफी जीतूं, मैं चाहता था T20 वर्ल्ड कप जीतूं, और दोनों मुकम्मल हो गया। ये वक्त है सही समय पे संन्यास लेने का, और इस संन्यास के साथ लाखों करोड़ों रोहित शर्मा के फैंस को कह सकते हैं झटका लगा है। ये एक बिल्कुल पीक होता है, जब खिलाड़ी ICC की चमचमाती हुई ट्रॉफी जीतता है ना, तो उसके बाद वो चाहे एक या चाहे दो साल और खेल सकता है। ना बोर्ड मना करता है, ना ही देश के फैंस मना करते हैं, लेकिन रोहित और विराट ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए जगह खाली कर दी, खुले दिल से न्योता दिया, जो काम हमारे दिग्गज पूर्व दिग्गज करते आए हैं वो काम हम भी करेंगे, हमारे छोटे खिलाड़ियों को पूरा मौका देंगे। आज रोहित शर्मा ने चमचमाती ट्रॉफी हाथ में रख कर संन्यास का ऐलान किया है। ये किसी के लिए आसान नहीं होता, लोग IPL की ट्रॉफी जीतने के बाद भी संन्यास नहीं बोलते हैं, वो चाहते कि अगला एक साल मैं ऐसे ही खेल जाऊं। लेकिन रोहित शर्मा जो ICC की ट्रॉफी जीते उसके बाद भी उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड किसी से छुपे नहीं है, बतौर कप्तान अगर बात करें तो टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगर बात करें चमचमाती ट्रॉफी की, तो रोहित शर्मा MS धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जिनके खाते में T20 की चमचमाती हुई ट्रॉफी है। इसके अलावा तमाम सारे रिकॉर्ड हैं, चलिए आपको मैं कैरियर के रिकॉर्ड बता देता हूँ। रोहित शर्मा ने अब तक T20 इंटरनेशनल में 159 मुकाबले खेले हैं। इन 159 मुकाबलों में रोहित शर्मा ने बनाए 4,231 रन, हाईएस्ट स्कोर है 121 का नाबाद, एवरेज की बात करें तो 32 का है। अगर छक्के लगाने की बात करें तो 204 छक्के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगा चुके हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रन बनाने के मामले में, तो इसमें भी रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे आता है। रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 4,231 रन बनाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है विराट कोहली जिन्होंने बनाए हैं 4,188 रन। वहीं बाबर आजम तीसरे नंबर पर है जिनके खाते में 4,145 रन। यानी विराट कोहली और बाबर आजम को पछाड़ते हुए रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अगर बात करें बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने की, तो उसमें भी रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे आते हैं। रोहित शर्मा से आगे हैं बाबर आजम जिन्होंने 5 बार ये कारनामा किया है। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 4 बार किया है। तीसरे नंबर पे हैं क्रिस गेल जिन्होंने 3 बार ये कारनामा किया है। अगर बात करें एक सीरीज या टूर्नामेंट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में, तो इसमें रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में 14 छक्के लगाए बतौर कप्तान, जो अब तक का रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली जिन्होंने लगाए 13 छक्के, वो भी वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2019 में। नंबर 3 पे आते हैं युवराज सिंह, जब T20 वर्ल्ड कप 2007 में 12 छक्के लगाए थे, जिसमें से एक मैच में ही 6 छक्के लगाए थे। तो दिखाता है रोहित शर्मा के रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। रोहित शर्मा ने सही मौके पर संन्यास का ऐलान भी किया है। फिलहाल आपको रोहित शर्मा की वो कौन सी सबसे यादगार पारी है जो आपको याद आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे लिए T20 में रोहित शर्मा की सबसे ज़्यादा यादगार पारी रहेगी तो जो सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।